हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देखकर जान चुके हैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मौज एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग मौज एप्लीकेशन पे MFC मौज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते तो हमारा अकाउंट रिव्यू में रहता है 2 दिन तक, और जैसे हमारा अकाउंट वहाँ पे चेकआउट नहीं हो जाता तो हमारे अकाउंट पे लिख के आ जाता है होल्ड ऑन टाइम। अब होल्ड ऑन टाइम लिख के आता है तो हमारे अकाउंट को चेक किया जाता है, और जैसे हमारे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कुछ त्रुटियां देखने को मिलती है, तो हमारे अकाउंट पे कुछ टाइम दिया जाता है कि आपके अकाउंट को 27 दिन बाद चेक किया जाएगा, 28 दिन बाद चेक किया जाएगा, और वहां पर लिख के आ जाता है विल बेगनी इज हाफ डन। अब यहाँ पर जब तक आप अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे जो आपके अकाउंट पर त्रुटियां है, अगर उसे आप लोग सॉल्व नहीं करोगे तो फिर से आपके अकाउंट पर होल्ड ऑन टाइम लिख के आएगा, और फिर से आप लोगों को विल बेगनी इज हाफ डन लिख के आएगा, और वहां पर टाइम दे दिया जाएगा। तो आखिर इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हो, अगर आप लोगों ने इस वीडियोस को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग 100% जो है आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और आप भी मौज फॉर क्रिएट प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किए जाओगे। तो आखिर चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को कौन कौन से काम करने हैं। वीडियो को भी देखा, लाइक किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मौज एप्लीकेशन से रिलेटेड काफी सारी नॉलेज एंड टेस्टी वीडियो देखने को मिल जाती है। तो चलिए देर न करते वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं आखिर मौज एप्लीकेशन पे जब हमारे अकाउंट पे विल बेगनी इज हाफ डन लिख के आता है तो हम लोग इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, मौज एप्लीकेशन पे आपको अपने प्रोफाइल को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना प्रोफाइल फोटोज को देखना है कि आपने जो प्रोफाइल फोटोज लगाया हुआ है वो क्लियर और साफ दिख रहा है कि नहीं। अगर आप लोगों का प्रोफाइल फोटो सही से मैच नहीं कर रहा होगा आपके वीडियो से रिगार्डिंग, तो फाइनल इस कारण से आपके अकाउंट पे विल बेगनी इज हाफ डन लिख के आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोफाइल को चेकआउट करना है कि आपका प्रोफाइल अच्छा तरीके से ग्रो कर रहा है कि नहीं, आपका प्रोफाइल साफ सुथरा दिखने में लग रहा है कि नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले आप लोग फिक्स कर लेना। दूसरा हो सकता है गलती कि आप लोगों ने क्या हुआ है, मौज एप्लीकेशन पे जब भी आप लोग एमएफसी के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको क्या करना है, जो भी आप लोगों का टैलेंट है, जो भी आप लोगों ने वहां पे कैटेगरी सिलेक्ट किया हुआ था एमएफसी के रिलेटेड, आपको उसी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना है। अगर आप लोगों ने वहां पे अपना कैटेगरी भूल भी गए हो फिर भी आप लोगों का कोई मैटर नहीं करता, आपको फिर भी जिस रिलेटेड आप लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हो उसी रिलेटेड आपको पूरा वीडियोस अपलोड करना है। दूसरा, अगर आप लोगों ने ये दोनों चीज को आपको 100% सुधार कर ही लेना है। अब तीसरा गलती आपका ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों ने मौज एप्लीकेशन पर ट्रेंडिंग हैशटैग पर काम नहीं करते होंगे तो इस कारण से भी आप लोगों को विल बेगनी इज हाफ डन देखने को मिल सकता है। अब आप लोग कहोगे भाई मैंने तो ट्रेंडिंग हैशटैग पर काम करता हूं फिर जाके हमको ट्रेंडिंग हैशटैग मिला हुआ है, ट्रेंडिंग इमोजी मिला हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इमोजी हर किसी को मिल सकता है जो कि ट्रेंडिंग हैशटैग पर काम ना करता हो। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो भी आप लोग वीडियोस अपलोड करो अगर वहां पे आप लोग केवल ट्रेंडिंग हैशटैग पे काम करोगे तो उससे भी आप लोगों को ट्रेंडिंग इमोजी मिल जाएगा। पर आपको क्या करना, उस तरीके से नहीं करना, आपको जाना है सर्च बेल आइकन पे डिस्कवर पेज पे, और वहां पे आप लोगों को कोई भी हैशटैग को लेना है, उन हैशटैग पे क्लिक करना है, उसका रूल्स पढ़ना है कि किस तरीके से आपको वीडियो बनाने के लिए बताया जा रहा है, उसी रूल्स के हिसाब से आपको वीडियोस अपलोड करना है। तो यहां से आप लोगों का ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये आपका प्रॉब्लम फिक्स हो ही गया हो, अब आपको क्या करना है कि आपको अपने वीडियोस को रोजाना अपलोड करना है। जब आपने एमएफसी के लिए अप्लाई करता तो उसके बाद आपको रोजाना वीडियोस अपलोड करते हुए रहना है। तो यहाँ तक आपका ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोगों ने इन सभी चीजों को सुधार लिया तो आप लोगों का वीडियो है, आप लोगों का एमएफसी में जो है 100% सिलेक्शन होगा। अगर आप लोगों का अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जानकारी देने की कोशिश। वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल भी ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मौज एप्लीकेशन से रिलेटेड काफी सारी नॉलेज एंड टेस्टी वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को।